साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए अपडेट पे बात करनी थी भाई, कोरोना वायरस के मैटर से रिलेटेड अपडेट, जो नई अभी सिचुएशन चल रही है इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रियों पे क्या प्रभाव पड़ा है, इंडिया में इसका क्या रोल है और कौन कौन सी कंट्रियों पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आप लोग विदेश जाने वाले या वहाँ से आने वाले सबके लिए न्यूज़ रहेगी कोरोना वायरस से अब लिए अपडेट मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी आपको सही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों। वर्ल्ड लेवल पे लगभग कंट्रियों ने 31 मार्च तक के लिए सब कुछ बैन कर दिया गया है अभी की कंडीशन में, जिसमें बात करें जैसे दुबई ने भी भाई वीज़ा वगैरह सब बैन कर दिए। अभी एक दो दिन से वीज़ा वगैरह बंद हो गए, ट्रेवल वगैरह बंद है। सऊदी की स्थिति है कि सऊदी ने तो अपने एयरपोर्ट भी सील कर दिए, जितने एयरपोर्ट थे सबको सील करके पन्नियों में ढक दिया गया है 31 अप्रैल तक के आदेश। अब अगले 2 हफ्तों में कोई कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। सऊदी में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जिसको मक्का मदीना बोलते हैं वो भी भाई अभी बैन है, बंद कर दिया गया है। मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि धार्मिक ठीक है रीति रिवाज होते हैं, अपन उनको निभाने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा है जीवन। जीवन रहेगा तो सब कुछ संभव है। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट मान लीजिए कहीं भी कंट्रियों की जितनी भी गवर्नमेंट हैं उन्होंने एहतियात तौर पर अपने अपने जिस तरीके से उनके संभव हैं अपने आदेश कानून निकाल के उनको सब कुछ को यथावत कर दिया गया। अभी एक तरीके से मान लीजिए कि जीवन ठहर सा गया, इसको ये बोल सकते हैं। मॉल वगैरह, सिनेमा हॉल, एग्जाम्पल इंडिया में तो एग्जाम भी भाई रद्द कर दी गई। आज का आदेश आ गया कि जितनी एग्जाम लग गई, एक दो अभी स्टार्ट हुई थी वो लग गई, बाकी स्टॉप कर दी गई। 31 मार्च के बाद में जो स्थिति होगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है, इसको बैन करके रखना है थोड़े टाइम के लिए या उसको दोबारा रिस्टार्ट कर देना है। अभी की स्थिति है कि 108 कंट्रियों में कोरोना वायरस का प्रभाव हो चुका है अभी 108 कंट्रियों में, और लगभग कंट्रियों ने ट्रेवल मैन तो इंपॉर्टेंट है ट्रेवल बंद किया, सबसे ज्यादा ट्रेवल पर असर पड़ा है एक दूसरे देशों से। ये जो इसी वजह से फैला है ना, घूमने की वजह से, ट्रेवलिंग की वजह से सब कुछ हुआ है। तो भाई अभी किसी भी कंट्री का वीजा नहीं मिल रहा है, सब वीजा बंद हो गए हैं। दुबई का भी वीजा भी बंद हो चुका है, 31 मार्च तक बंद है। 31 मार्च के बाद में आगे जो आदेश आएगा, अपडेट आएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। इसमें एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार अपन ने किसी एजेंट को पैसे दे रखे हैं वीजा के लिए, पैसे दे रखे हैं या फिर अपने पैसे भी चले गए, वीजा अंडर प्रोसेस था तो उसका क्या होगा। मैं बता दूं आपका पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाएगा आपका। अगर पैसे दे दिए वीज़ा नहीं आएगा तो जैसे ही अगला आदेश आएगा दोबारा जो रीस्टार्ट होगा सिस्टम अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपका वीज़ा आपको 31 मार्च के बाद में जो भी प्रोसेस होगा उसके हिसाब से आपका वीज़ा आपका सेफ, आपका पैसा सेफ है। अगर पैसा आपका डूबेगा नहीं, वीज़ा नहीं मिलेगा तो भी आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। टिकट का तो सबको पता ही भाई, टिकट तो जितनों जो कैंसिल हुई थी उनके पैसे रिफंड हो चुके हैं, बाकी अगर होल्ड पे हैं तो वो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बता दूं, जो विदेश से इंडिया आना चाहते हैं वो भी 31 मार्च तक नहीं आ सकते, लगभग में बैन हो चुका है। वहाँ से आप निकल जाते हो तो यहाँ पर आपको रोक लिया जाता है, मतलब लफड़ा ही लफड़ा है भाई ये मान के चलिए। या फिर आप इंडिया से विदेश में जा रहे हो तो आप नहीं जा सकते, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो छुट्टी आए हुए थे जिनका वीज़ा में बहुत कम टाइम था उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर उनके छुट्टियां कम थी, जैसे 2 महीने की छुट्टी थी अभी टाइम पे जाने वाले थे वो नहीं जा पाएंगे। या फिर ये मान लीजिए जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो उनका क्या होगा। तो भाई देखिए, मेरी जहाँ तक मानना है आपको नुकसान नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि अपने वर्करों को नुकसान हो, जिसमें बता दूं अगर आपकी छुट्टी आगे है तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। आपकी ये मान लीजिए आप ऑन ड्यूटी हो घर बैठे, ठीक है। दूसरी बात, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो कंपनियों की या फिर गवर्नमेंट आगे निर्णय लेगी कि इनका वीज़ा किस तरह से बढ़ाया जाए। जहाँ तक मेरी सोच है वीज़ा एक्सपायर भी हो जाएगा तो आपका कोई दूसरे रूल के माध्यम से आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं थी, एक प्राकृतिक आपदा मान सकते हैं या महामारी मान सकते हैं जिसमें जीवन बचाना इंपॉर्टेंट है। काम और ये जो और काम है ना वो सब उसकी वजह से स्टॉप कर दिया गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई भी काम में हो, कोई भी सरकारी सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, विदेश जॉब से रिलेटेड हो, आपका नुकसान 1% भी नहीं होने वाला है। फिलहाल आप 15 दिन के लिए रेस्ट करें, घर पे रहें, अपने परिवार को संभाल के रखें, भीड़ भाड़ की जगह जाने वाले भाई बचें। हमारे राजस्थान में भी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है जिसमें 5-10 से लोग ज़्यादा नहीं बैठ सकते, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया। इंडिया का पहला राज्य बना है जिनने धारा 144 लगा दी, क्योंकि
जीवन बचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसके लिए वो कोई भी ठोस कदम उठा सकती है, अपने को उसका पालन करना अपनी मजबूरी रहेगी और देश हित में ये काम सबको करना चाहिए। जो विदेश में बैठे हैं, जो विदेश से यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। मेडिकल एक्सपायर हो गया या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, पैसे दे दिए, वीज़ा नहीं आया, आपका नुकसान नहीं होने वाला। जैसे ये इसका प्रभाव कम रहेगा कोरोना के, तो उसके हिसाब से आगे जो आदेश आएंगे अगले उसमें फाइनल हो जाएगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है आपका नुकसान नहीं होगा। फिलहाल 31 मार्च तक के लिए सब कुछ क्लोज है, किसी एजेंट को पैसे वैसे देने या वीज़ा के चक्कर में घर से निकलने की कोशिश ना करें। ठीक है साथियों, आज की वीडियो इतनी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।